हेलो गेमर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल गेम फ्लेम एंड आई एम योर फ्रेंड अनुराग। सो गाइस, इस वीडियो में कुछ बात करने वाले हैं सेटिंग्स के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सेटिंग जिनको आप कर लेते हैं तो आपका थोड़ा गेम प्ले में सुधार हो जाएगा, या थोड़ा सा कह दें या और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और अगर आप नए हो तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप खेलते भी हो फ्री फायर तब भी वीडियो को देखना। हो सकता है आपको सेटिंग्स के बारे में पता ना हो तो वीडियो के एंड तक देखना, जिससे आपको सेटिंग्स के बारे में पता चल जाए। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सो ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले बेसिक, फिर सेंसिटिविटी, फिर कंट्रोल्स, फिर साउंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक्स में ग्राफिक्स ऑप्शन दे रखा है। इस ग्राफिक्स में तीन ऑप्शन दे रखे हैं, स्मूथ, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा। तो मैंने तो अल्ट्रा पे कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ की। अगर आपका फ़ोन 1GB रैम और 2GB रैम वाला है तो स्मूथ पर सेट करना, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका गेम लैग करने लगेगा। स्मूथ में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राफिक मिल जाते हैं खेलने लायक। अगर आप स्मूथ पर सेट कर भी देते हैं जो गेम का लैग होता है वो थोड़ा कम होगा। और अगर आपका फ़ोन की रैम 3GB रैम से ऊपर है तो आप स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा पे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अल्ट्रा करने से आपको गोली की हल्की सी चिंगारी दिखेगी, गोली कहाँ से फायर हुई है। और अल्ट्रा में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों में चिंगारी दिखेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रहेगा जब आप किल करोगे तो जो इमेज है किल की वो थोड़ी अलग दिखेगी आपको, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस इमेज में दिख रहा है आपको, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और स्मूथ और स्टैंडर्ड पर बैटरी कम खाएगा फ़ोन की, लेकिन जब आप अल्ट्रा पे करोगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी जो होगी वो ज़्यादा खाएगा। तो मेरे हिसाब से आप स्टैंडर्ड पर रखना बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। तो अगली बात करते हैं हम लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगी, मिनी मैप रोटेटिंग पे रहेगा अपना, और अकाउंट जो है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स की। तो बात करते हैं अब सेंसिटिविटी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल मेरा 50 पर है। फिर बात करते हैं हम रेड डॉट की। तो रेड डॉट आपको 80 तक रखना पड़ेगा। रेड डॉट क्या होता है, जैसे अपना नॉर्मल वाइट डॉट होता है, जैसे ही उसको अपन किसी एनिमी पर रखते हैं तो वो रेड हो जाता है, तो रेड डॉट वही होता है। तो उसको 80-85 तक ही रखना, ज़्यादा मत रखना, नहीं तो आपको किलिंग करने में दिक्कत हो सकती है। 2x और 4x की बात की जाए तो 72x कर दो और 64x कर दो, नहीं तो फिर ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है, 80 तक चल सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। AVM स्कोप की बात की जाए तो मेरा 15 है, आप सभी चाहें तो उसको 50 तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करोगे आप तो आपको 8x चलाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि AVM में 8x लगता है और 8x का स्कोप लगता है और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपने 50 से ऊपर कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो 15 बेस्ट है, क्योंकि मेरे को पसंद है 15 चलाने में AVM को। तो आप सब ट्राई कर सकते हैं एक बार 15। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स में आप देख सकते हैं एम प्रिसीजन दे रखा है, उसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे कर रखा है। एम प्रिसीजन का मतलब क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप ज़रूर देखें उसको, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उस वीडियो को देख के। Produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó, oh, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, remix. तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो आपको अगर ये वीडियो पूरा देखना तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं एम प्रिसीजन की। तो आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि मैंने स्कोप को जूम इन एंड जूम आउट किया था बहुत,
तो उसका मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ जूम इन एंड जूम आउट का। इससे आप एनिमी को ना डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, उसको इजीली मार सकते हो। अगर कोई कार आ रही है और उसमें कोई वो आदमी बैठा हुआ है तो आप उस पर ना जैसे ही आप जूम इन जूम आउट करोगे तो डायरेक्ट निशाना ना आदमी पे भी लगेगा, मतलब सारी गोलियाँ उसी पे लगेगी, कार पे एक भी गोली नहीं लगेगी। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप इजीली ना उस आदमी को मार सकते हो। तो बात हो गई एम प्रिसिजन की। अब लेफ्ट फायर बटन मेरा ऑलवेज है, क्योंकि है ना लेफ्ट फायर बटन जिसको मतलब सूटेबल लगे मेरा इसलिए ऑलवेज है क्योंकि शॉटगन चलाना आसान रहता है लेफ्ट फायर बटन से, तो मेरे लिए आसान है। मतलब जिसका लेफ्ट हाथ चलता हो वो रखे भले ही, बाकी जिसको नहीं पसंद वो रहने दीजिए। क्विक वेपन स्विच की बात की जाए तो इसको मैंने ऑफ कर रखा है, नहीं तो फिर अपने आप ही क्विक वेपन मतलब कि ना अपने आप ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा वेपन, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, इसलिए उसको ऑफ ही रहने दीजिए। क्विक रिलोड की बात की जाए तो वो ऑन रहेगा क्योंकि अपने आप रिलोड हो जाएगा, तो बेस्ट चीज़ है वो। तो AVM स्नैपिंग की बात करते हैं हम, ये नॉर्मल पे मैंने इसलिए कर रखा है जिससे क्या होता है ना आपको बार बार है ना स्कोप को खोलना ना पड़े। AVM स्नैपिंग का मतलब ये होता है नॉर्मल पे, जिससे ना आप ना जैसे शूट करोगे तो वो स्कोप अपने आप खुल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको वापस ना स्कोप को खोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ अच्छा है, तो आप नॉर्मल पे करें तो बेस्ट लगेगा आपको। व्हीकल कंट्रोल्स की बात की जाए तो मैंने टू हैंड कर रखा है, आप सब भी कर सकते हैं। सेफ जोन हैंड की बात की जाए तो मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, आप चाहे तो सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं। सेफ जोन हैंड का मतलब ये होता है कि क्या होता है आपको हिंट दे दिया जाएगा कि सेफ जोन आने वाला है, आप जल्दी से सेफ जोन में चली जाइए, नहीं तो फिर सेफ जोन जल्दी आ जाएगा, मतलब हिंट देगा वो आपको। ऑटो पैराशूट मैंने ऑन कर रखा है और ऑटो पिकअप मैंने ऑन कर रखा है, आप चाहे तो ऑफ कर दीजिए अगर आपको नहीं पसंद हो तो। साउंड की बात की जाए तो म्यूज़िक मेरा ऑफ है क्योंकि इससे बात करने में आसानी रहती है सामने वाले से, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है। साउंड इफेक्ट मेरा 53 पे और वॉइस मेरा 62 पे, जिससे सभी को मेरी आवाज़ क्लियर रहे। तो अगर आपको वीडियो हल्का सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आया है, और नए नए अपडेट मैं आपको देता रहूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं तो मेरी बददुआएं लगेंगी आप सभी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।